हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके। देखिए, बिहार में जो दूसरा चरण का बीपीएससी का बहाली आएगा, तो देखिए मुजफ्फरपुर जिला में गणित विज्ञान में सबसे अधिक पद है। देखिए, लिखा हुआ है कि अगले चरण में शिक्षक नियुक्ति के लिए आवंटित पदों का जिला में रोस्टर तैयार कर लिया गया है। गणित विज्ञान में सबसे अधिक पद तो हिंदी और उर्दू में सबसे कम पद देखे नहीं। देखिए, कोई कोई ज़िला में हिंदी उर्दू में ज़्यादा होगा सीट, तो कोई ज़िला में विज्ञान में ज़्यादा सीट खाली होगा। तो मुजफ्फरपुर जिला में अगले चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए आवंटित पदों का जिला में रोस्टर तैयार कर लिया गया है। गणित विज्ञान में सबसे अधिक पद है तो हिंदी उर्दू में सबसे कम पद दिए गए हैं। अगले चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए जिले को वर्ग 6 से 8 में 1534 पद दिए गए हैं। जिले में कोटिवार और विषयवार इस पर रिक्ति बनाने का निर्देश दिया गया था। 6 से 8 की नियुक्ति की में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित रहेगी। जिले में बनाई गई रिक्ति के अनुसार गणित विज्ञान में 795 पद दिए गए हैं, तो वही सामाजिक विज्ञान में 520 पद मिले हैं। हिंदी उर्दू में 40-40 पदों पर नियुक्ति होगी। महिलाओं को सबसे अधिक 309 पद दिए जाएंगे। और देख लीजिए एक और चीज़ की विभिन्न विषयों में रिक्ति, सामाजिक विज्ञान में 520 है, गणित विज्ञान में आपका 795 है, हिंदी में आपका 40, अंग्रेजी में 64 है, संस्कृत में 75 है, उर्दू में 40 है। और कोटिवार देखिएगा तो युवर में 304 है, अनारक्षित महिला में 309 है, EWS में 77 है, EWSF महिला में 75, BC में 90, BCF 94, EBC में 135, EBCF में 140, तो ये सब सीट है। एक चीज़ आप देखिएगा तो मुजफ्फरपुर जिला का ऐसे भी सब जिला का निकलेगा सीट, जिसमें आप का बहाली का पूरा दिया हुआ है किस जिला में किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, समझ गए। दूसरा चीज़ क्या है कि जल्द ही बहाली आपका आ सकता है, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्योंकि सब जिला से रोस्टर को क्लियर करवा के बहाली को फिर जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन इसका। तो मुजफ्फरपुर जिला में आपका 6 से 8 में 1534 पद है, जिसमें आपका गणित विज्ञान में आपका दोनों मिला के आपका 795, सबसे ज़्यादा आधा सीट तो गणित विज्ञान का है, 795 सीट है, जिसमें सामाजिक विज्ञान 520 है, हिंदी 40 होगी, अंग्रेजी 64, ये सब है 6 to 8 में, समझ गए।